मंडला से धान की खरी जलकर हुई खाक, हुआ लाखों का नुकसान। मंडला जिला मुख्यालय के ग्राम ढेंको में आग का कहर देखा गया, जिससे तकरीबन आधा दर्जन किसानों की फसल को पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जिसे गाहनी के लिए खरी बनाकर रखा गया था। जानकारी की माने आग देर रात 1 से 2 के बीच लगी। मंडला जिले के अंतर्गत बमहनी के करीब ग्राम ढेंको में जब किसान सुबह अपनी धान की फसल की खरी के पास पहुंचे, वहां का नजारा देख सभी की आंखें भर आई, क्योंकि उनकी मेहनत से उगाई गई और खेत से काटकर गाहनी के लिए इकट्ठा की गई धान की सारी फसल जलकर खाक हो चुकी थी। किसानों ने बताया सुबह 5 बजे उन्हें इस बात की जानकारी लगी, जिसके बाद किसानों के द्वारा फायर ब्रिगेड को फोन किया और दमकल की टीम तो यहां पहुंची, लेकिन पहली बार उसने आग पर किसी भी तरह काबू पाने का प्रयास नहीं किया और वापस चले गए। जब दोबारा फिर से दमकल को बुलाया गया, तब उसके द्वारा पानी का छिड़काव कर आग बुझाने का प्रयास किया। इसी बीच बिजली का तार टूट कर गिर गया और एक बार फिर शॉर्ट सर्किट से किसानों का रखा हुआ धान का पैरा पूरी तरह से धू धू कर जलने लगा, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों की फसल रात में शॉर्ट सर्किट के चलते ही जलकर खाक हो गई। बता दें कि अब तक यहां प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा है और किसान अपनी ही कोशिशों से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुमार जंगेला भैया, आग कितने बजे लगी? आग 2 बजे 2:30 बजे के बीच में लगी, रात में जी। 15-16-17 खरी थी, 8-10 किसानों की खरी थी, मेरे मामा जी की भी थी, 2-3 खरी उसकी भी जली गई। कोई लगा हूँ मैं आगे, और पानी यहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज से पानी नहीं हो पा रहा। एक तो गाड़ी आई थी सुबह फायर ब्रिगेड बमनी की, तो चले गई, आग नहीं बुझा पाई, फिर से फ़ोन रिटर्न किए तो वो अभी आई है, तो लगभग 1-2 खरी में पानी दे पा रही है, उसके पास भी पानी नहीं हो पा रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि मंडला से 2 गाड़ी पानी वाली आना चाहिए, तो गरीबों का कुछ थोड़ा बहुत बच जाए जी। शॉर्ट सर्किट अभी फिर हुआ, जो पैरा में आग लग गई, अभी भी आजू बाजू पैरा बहुत ज़्यादा है। अब किसान अपनी खरी देखेगा कि पैरा देखेगा, इधर भी खरी है बाजू में, अभी 100 खरी रखी है बर्रा में, बाजू वाले बर्रा में। आपका नाम? मेरा नाम उमेश कुमार जंघेला। संजय सिंह भैया, क्या कब लगी आग यहाँ? आग रात में लगी है, समय तो मालूम नहीं है हमें। सवेरे 5 बजे हमें ज्ञात हुआ कि आग लगी है, फिर हम लोग यहाँ पहुँचे, 100 नंबर हमने लगाया, फायर ब्रिगेड आई, शुरू में उन्होंने आग नहीं बुझाया, वापस चले गए। फिर अभी फिर से फायर ब्रिगेड आया है, काम कर रहा है, लेकिन लाइट अभी परेशान कर रही है। फिर एक बार जम्फर यहाँ गिरा है, तार टूट के गिरी और फिर से आग लगी, तो संभवतः लगता है कि आग का कारण मेन यही है। आपको सुनना संजय सिंह, खबर भारतवर्ष के लिए मंडला से भुवनेश्वर केवट की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।